नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे हम बिहार में चल रही सिपाही भर्ती की। 8415 पदों पर बिहार में सिपाही की भर्ती प्रक्रिया पिछले एक डेढ़ सालों से चल रही है। आपको बता दें कि पीटी रिजल्ट में भी काफ़ी समय लगा था और फिजिकल जो हुआ वो अप्रैल में पूरा कर लिया गया, अप्रैल के शुरुआत में ही पूरा कर लिया गया। लेकिन आपको बताएं कि 4 महीने होने जा रहे हैं और अभी तक सिपाही भर्ती का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। 8415 सीट हैं और लगभग बताएं आपको कि 40,000 के आसपास कैंडिडेट फिजिकल में शामिल हुए थे और वो सब जो हैं काफ़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का कि आखिर रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा, क्यों देरी हो रही है रिजल्ट जारी करने में। लेकिन इन सब के बीच में बताएं कि CSBC यानी कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के द्वारा एग्जाम लिया जाता है, उनके अध्यक्ष KS द्विवेदी का कार्यकाल खत्म हो गया था, उन्हें एक्सटेंशन मिल गया है, 6 महीने का उन्हें एक्सटेंशन मिला है। लेकिन छात्र जो हैं वो उनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। लगातार वो सोशल मीडिया पर सभी जगह ये आवाज़ उठा रहे हैं कि आखिर हमारे रिजल्ट में देरी क्यों की जा रही है, जबकि आपको बताएं कि सिपाही भर्ती का जो मेरिट जो है वो फिजिकल के आधार पर ही बनना है, यानी कि जब फिजिकल हुआ उसी समय उनके अंकों का निर्धारण हो चुका है। क्योंकि बताएं आपको कि 8415 जो सिपाही की भर्ती हो रही है उसमें आप जितना जल्दी दौड़ लगाएंगे उसके लिए नंबर है, जितना हाई जंप जितना ऊंचा मारेंगे उसके लिए है, लॉन्ग जंप जितना लंबा मारेंगे उसके लिए है, शॉर्ट पुट का गोला जितना दूर फेंकेंगे उसके लिए एक्स्ट्रा नंबर है। तो कहने का मतलब है कि जब फिजिकल होता है उसी समय एक छात्र के प्राप्तांक दर्ज हो जाते हैं और उसके बाद केवल जो है वो रैंक देखना होता है, रिजर्वेशन देखना होता है, जो भी प्रक्रिया हो। लेकिन 4 महीने लग रहे हैं और इस कारण छात्रों में बेचैनी बढ़ गई है और छात्र ये भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि क्या कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या। क्योंकि आपको बताएं कि ये वही सिपाही भर्ती की परीक्षा है जिसके चारों सिटिंग के एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर वायरल होने की खबरें चली थी, हमने भी वो दिखाया था और बहुत सारे छात्रों ने इसकी पुष्टि भी की थी कि जो उत्तर वायरल हो रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न ही एग्जाम में पूछे गए थे। 14 मार्च और 21 मार्च 2021 को इसका पीटी हुआ था, 4 पालियों में हुआ था पीटी और उस समय छात्रों के द्वारा ही इसमें गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। ऐसे में देरी हो रही है तो छात्रों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है और उन्हें ये लग रहा है कि देरी का मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो आयोग से गुजारिश है कि उनके मन में आ रहे इन गलत ख्यालों को आप खत्म करें, रिजल्ट जारी करें। रिजल्ट में देरी है तो उससे संबंधित भी सूचना दे दे कि रिजल्ट जो है वो टेंटेटिव डेट कब तक आएगा, किन कारणों से आखिर देरी हो रही है। क्योंकि छात्र परेशान हैं, कम उम्र के छात्र रहते हैं बिहार पुलिस सिपाही में भर्ती होने वाले और काफ़ी बेचैन भी हैं वो कि रिजल्ट हम लोग का कब जारी किया जाएगा। तो गुजारिश है आयोग से कि आप जो 8415 सिपाही की भर्ती जो आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित करें और छात्रों को जो अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी का मौका दें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।